Hey guys, welcome back to my channel named Hashtag Arna. And guys, आज हूँ मैं मेरे मामू की रिंग सेरेमनी में. एंड सो अभी यहाँ पे हम बाहर में हैं एंड अंदर फंक्शन चल रहा है. और जैसे कि मेरा पहले एक शॉट आया था और मैंने शॉट में लिख दिया था कि अभी मेरा ब्लॉग कुछ देर में आने वाला है, और वो मेरा ब्लॉग आ चुका है और अभी हम लोग अंदर चलेंगे. एंड पहले आप मुझे ये बताओ ना कमेंट बॉक्स में कि मेरा जो गाउन है वो कैसा लग रहा है. मतलब ये फुल देख नहीं पा रहा शायद, ये लॉन्ग गाउन है मेरा. एंड गाइस अब मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करा है, कैसा लग गया मेरा मेकअप एंड मेरा हेयर बैंड, अब मैं मतलब कैसी लग रही, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अब हम अंदर चलते हैं. सो गाइज अब आपको अंदर चल के ना आवाज़ मेरी सुनाई देगी क्योंकि अभी सॉन्ग्स बंद हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए बीच में. सो गाइज अब हम यहाँ पे अंदर मतलब अंदर नहीं आए, यहाँ पे अंदर घुसने से भी पहले यहाँ पे एक है एरिया. और यहाँ पे अब मैं आपको सब इतने सारे लोग सबसे मैं मिला नहीं सकती, बट मैं आपको कुछ कुछ लोग से मिला सकती हूँ. जैसे कि ये है मेरी नैशा मासी. हाय. अब हम अंदर चलते हैं. सो गाइस अब हम अंदर पहुंच चुके हैं. गाइस अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो बहुत ज्यादा बाहर ठंडा है. और सो बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है. एंड मैं मेरा कोट वोट भी लाइक क्योंकि मेरा पिंक कलर का कोट तो है मेरे गाउन से मैच, मगर मैंने बोला कितनी ठंडी होगी पर तब पता चल रहा है कितनी ज़्यादा ठंड है. सो अभी हम वापस से बाहर आ गए थे क्योंकि बाहर जो ठंड का मज़े भी लेने में मज़े आ रहे हैं. तो अब हम चलते हैं अंदर. यस गाइस रियली में बहुत ज़्यादा ठंड है. हाँ अब हम अंदर चलते देख लो नैशवास ने बोलिया यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है. अब हम अंदर चलते हैं और अंदर थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि बाहर सर्दियों के मजे लेने में मज़े आ. अब हम चलते हैं अंदर. वैसे जो मेरे लिप्स हैं ना उसकी सारी लिपस्टिक मिट चुकी है, हल्की हल्की दिख रही होगी क्या आपका कैमरा में. हल्की हल्की तो दिख रही है लिपस्टिक. एंड गाइस यहाँ पे मेरा एक छोटा ब्रदर भी है जिसका नेम यान है. बाहर अभी हम बाहर नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो पहली चीज़ कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे टेस्ट कर चुकी हूँ, जैसे मंचूरियन सूप वगैरह, मंचाओ सूप वगैरह. एंड आशा मासी आपने क्या खाया है यहाँ पे अभी तक, क्या खाया आपने यहाँ पे अभी तक? और आप मैंने खाए हैं फ्रेंच फ्राइज जो कि आपको बहुत अच्छे लगे. हाँ और अब हम अंदर चलते हैं. फ्रेंच फ्राइज तो बल्कि मेरे फेवरेट है. हाँ अब गाइस अंदर मैंने भी थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खाए, फ्रेंच फ्राइज अच्छे हैं. एंड अब हमने यहाँ पे बस कॉफ़ी, अभी हमने बस यहाँ पे तीन चीज़ें खाई. आपको कुछ खाएंगे तो नहीं बट हम आपको मेन्यू दिखाएंगे. चलो तो फर्स्ट काउंटर पे है गोलगप्पे. एंड अब हम सेकंड काउंटर पे जाके चेक, क्रीम भल्ला, क्रीम भल्ला यहाँ पे क्रीम भल्ला है. अब हम इसके नेक्स्ट काउंटर पे चल, और यहाँ पे आलू टिक्की जो कि यहाँ पे बन रही है. हाँ अब यहाँ पे बन रही है. और इसके नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ड्राई फ्रूट चाट. सो ड्राई फ्रूट चाट एंड वो भी यहाँ पे हमारे अंकल बना रहे हैं. अब हम आगे चल के देखते हैं आगे क्या है. मूंग दाल चिल्ला. हाँ मूंग दाल चिल्ला गाइस. और यहाँ पे ये भी अंकल बना रहे हैं. अब हम आगे चल के देखते हैं कि आगे और क्या है. यहाँ पे है सूप. हाँ तो सूप हम आपको दिखाते हैं कौन से टू टाइप्स के सूप है. सो गाइस पहले तो हमारा ये टमाटो एंड बेसन सूप, और ये है वेज मंचाओ. हाँ वेज मंचाओ सूप जो कि हम आपको दिखाते हैं. एंड ये रहे इन दोनों के बाउल्स.
मतलब बाउल कंटेनर जिसमें है ये। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। सो गाइस यहाँ पे है केसरी खीर, जो कि आप देख सकते हैं केसरी खीर। अब इसके नेक्स्ट अंगूरी रसमलाई, हाँ अंगूरी रसमलाई। अब इसके नेक्स्ट शाही तुड़का शाही टुकड़ा। अब इसके नेक्स्ट क्या है, गाजर का हलवा। ये देखिए गाजर का हलवा। अब इसके मूंग दाल हलवा, मूंग दाल हलवा कैसा होगा। चलो अब हम आगे चल के देखते हैं गुलाब जामुन, जो कि ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होता है। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसके आगे लिखने रखी क्या है हमें पता नहीं। अब आगे यहाँ पे है स्वीट एंड सॉर वेज। और इसके आगे चिली पनीर, इसके आगे चिली। अब चिली पर हम आपको पहले स्वीट एंड सॉर वेज दिखा देते हैं। एंड अब हमारा ये है स्वीट, सॉरी अब चिली पनीर। अब हम नेक्स्ट चाहिए हमारा वेज मंचूरियन। अब इसके नेक्स्ट हक्का नूडल्स, हाँ नूडल्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिसको भी हक्का नूडल्स पसंद है वो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब ये और ये बताओ मुझे कि मेरी मेहंदी कैसे लगी आपको। यस फ्रेंड मेरी भी बताओ। मैं यहाँ पे हैशटैग आरोही लिख पाया है। आरोही मींस रोहिन, जो मेरे मामू का नाम है, और आरुषि जो हमारी मामी का, जो मेरी भाभी है और मेरी मामी। और अभी तो फिर उसको बना के मिलता है हैशटैग आरोही, और बाहर भी तभी लिखा हुआ था हैशटैग आरोही। सो अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शिजवान फ्राइड राइस, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सरसों का साग, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं मक्की की रोटी। दाल तड़का लाइफ यहाँ पे हमारे अंकल बना रहे हैं। तवा वेज लाइफ, हाँ तवा वेज लाइफ, ये देखो क्या है ये। अब ये रहा ये तवा वेज लाइफ। पास्ता काउंटर गाइस, अभी मैं वीडियो एंड कटिंग के बाद मैं तो पास्ता काउंटर लाइव यहाँ से पास्ता तो मैं खाने वाली हूँ। बैठा पास्ता तो आप देख सकते हैं, आप अंकल पे आ रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? पुष्पिंदर अंकल का नाम है, जो कि यहाँ पे बना रहे हैं। और गाइस ये यहाँ पे सारी सारी टॉपिंग्स वगैरह है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे बन रहा है। अब इसके आगे भी एक और काउंटर है राजमाल। हाँ अब देखते हैं राजमाल, ये देखो क्या है। और यहाँ पे क्या है, कड़ी पकौड़ा। दम आलू कश्मीरी। वाह पालक कॉर्न यहाँ पे है हमारे पालक कॉर्न। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पालक कॉर्न। चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्या नवरात्रि कॉम। ये रहा नवरात्रि कॉम। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पे डेजर्ट्स में क्या। वैसे तो अभी भी हमारा आधा मेन्यू रहता है, बट अब फिर भी हम आधे मेन्यू को कम्प्लीट कर ही लेते हैं जब इससे पहले। मशरूम डू पिज्जा, तो अब गेरा हमारा मशरूम कोफ्ता, जफरानी कोफ्ता करी। यहाँ है मीठी मलाई मटर। अब इनको मिक्स वेज। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पे ये आगे
अब हम आगे चलते हैं। पनीर बटर मसाला पसंद आपके यहाँ लगा आपको यहाँ का मेन्यू तो दाल मखनी मजे आ गए। और ये है हर फंक्शन में जो कि होता ही है ये है राइस। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हरे मोती के पुलाव बताइए मेरे को पढ़ने में आया पता नहीं पूरा हो रहा है या क्या हो रहा है। एंड आइए यहाँ पे कुछ बड़ों का है जहाँ पे सब का सब कुछ यहाँ पे अल्कोहलिक है यहाँ पे कुछ भी मतलब बच्चों लेकिन यहाँ पे बच्चों के खाने की चीज नहीं है। हाँ अब हम आगे चल के आपको एक बार दिखाते हैं यहाँ पे है कॉकटेल्स वगैरह मतलब अब मैं इतनी ऊंची हाइट नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी कॉकटेल्स वगैरह आगे कोल्ड ड्रिंक और मोइटोस वगैरह। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये न्यू ब्लॉग जो कि काफ़ी टाइम बाद आया है। सो गाइस मैं अब यहीं पे मेरा एंड ब्लॉग करती हूँ मेरा ब्लॉग एंड अंत। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा वेडिंग ब्लॉग। और आपको जैसे कि याद हो जैसा मैंने रोकी में दिखाया था उसमें मैंने जूही मासी को भी मिलाया था। अब भी बहुत जल्दी भी जूही मासी की वेडिंग भी आने वाली है तो फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे अब कल क्योंकि हाँ कल है मेरे साथ मामू की वेडिंग। सो गाइस अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे और देखते रहिए हैशटैग आना। एंड ये आपको जो कि मैंने दे दिया है ये न्यू न्यूज़ की अभी हम जल्दी वापस कल मिलेंगे फिर कल के बाद कुछ मेरे शॉर्ट्स आएंगे फिर उसके बाद हम मिलेंगे अब सीधा जूही मासी की वेडिंग व्लॉग्स में। बाय।